स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। जब मैंने आप सबको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करते हुए देखा ना, तभी मैं जान चुकी थी कि आप सबको याद है कि कल हमारी एनिवर्सरी है। विराट, इनको तो पता है पहले से। हाँ। और तुमने उस पे मोहर भी लगा दी। मैंने क्या किया? तू बीच में क्यों आई? बीच में क्यों बोला? तो मैंने कब बोला? उनको तो पता है पहले से। अब प्लीज 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 तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीरेन जी अपने काम में इतने बिजी है कि उन्हें याद ही नहीं है कि कल हमारी एनिवर्सरी। लेकिन जिविका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वीरेन को अपनी एनिवर्सरी याद नहीं? बुआ जी, अगर उन्हें याद होता तो वैसे चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठते। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी दो, पर उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जिविका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों? तुम कोई टेंशन मत लो। देखिए दादाजी, बात बड़ी सिंपल है। कल जिविका और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा जिविका को एक सरप्राइज पार्टी देते। अभी तो बेस्ट तरीका है ना, कल शाम को सीधा बताएंगे उसे सरप्राइज पार्टी देके। लेकिन वीरेन, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि जिविका को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है? मुझे क्यों है? मुझे भी ऐसा लगता है। सॉरी बड़ी बीजी, चाय। जीते रहो जीवित। आपकी चाय। पराठा बनाने का स्टेप नंबर वन, आटा गूंदना। अरे स्वीटी, ये क्या, खुद ही नाश्ता बनाने लग गए? मुझे बुला लेती ना। आज नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, आप लोग जाइए और बैठिए और आधे घंटे में डाइनिंग टेबल पर आ जाना। वाओ स्वीटी, खाने की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। वो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्वीटी ने मुझे सब्जी है ना थोड़ी ज्यादा दे दी है, दो बारी, तो मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, अगर किसी को कम पड़ गया तो। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। सच में? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। पता है आप लोग को, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ बनाया है और वो इतना अच्छा बना है, अब तो मुझे भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अरे नहीं रे, जाने दे जाने दे, बस थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट करने के लिए। स्वीटी ये लो। ये खाना आप लोगों को अच्छा लगा? सब्जी में इतना नमक कि गले के नीचे से नहीं उतर रही और पराठे इतने कड़क कि दांतों से टूट नहीं रहे, फिर भी आप लोगों ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की। स्वीटी, जो चीज दिल से बनाई जाए वो हमेशा अच्छी होती है। टेंशन मत लो, आओ, ये पहली बार नहीं है इस घर के लोग ऐसा खाना खा रहे। तुमसे पहले मैं ऐसा खाना बना चुकी हूँ, पर हाँ, मैं भी जीरो से हीरो बन गया, अब मैं भी मास्टर शेफ बन चुकी हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं भी, है ना विराट? राइट, ये पानी गर्म कर लेती है, मैगी बना लेती है और वो तो की चाय भी बना लेती है। लो। जी माँ। तुम लोग तो ऋषिकेश जाकर हमको भूल ही गए।
बेटा वापस आने का इरादा है या नहीं? नहीं आज आज वापस आ रहे हैं। अच्छा सुनो, जीविका को फोन देना। माँ। नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा। बेटा कब तक अपने मायके में रहने का इरादा है? चंडीगढ़ वापस आना है या नहीं? तुम लोगों के बिना ये घर बहुत सूना लगता है। माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम आज ही निकल जाएंगे और आज रात तक पहुंच भी जाएंगे। आज? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ध्यान से आना। अच्छा ऋषिकेश में सबको मेरा नमस्कार कहना। जी माँ। दीदी वो तो आज ही रात को वापस आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी कि वो लोग आज रात को आ रहे हैं। हमें लगता है जीविका और वीरेन की एनिवर्सरी के बारे में किसी को कुछ याद नहीं है, इसलिए हमारे लिए सरप्राइज देने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। आपकी आंखें नम क्यों? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि इस बार आपकी बेटियां इतने दिन रही। बेटियां कितने भी दिन क्यों ना रही, जाने के वक्त बुला देती है। स्वीटी मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई है, समझदारी दिखाई है, आगे भी इसी तरह जिम्मेदारी निभाते रहना। जीविका दी, अतीत की एक और कड़ी है जो सुधारना बाकी है। ये लीजिए घर के कागजात, ये आपके थे और आप ही के रहेंगे। बीजी अब आपको हमारी कमी कभी नहीं खलेगी, क्योंकि अब आपको बहू के साथ साथ बेटी भी मिली। हाँ स्वीटी, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे तुम जैसी भाभी मिली है। इस चौधरी खानदान को तुम जैसी बहू की जरूरत थी। और हाँ कभी फुर्सत मिले ना चंडीगढ़ आना जरूर। हाँ हम जरूर आएंगे। जीविका दी, मानवी दी, अपनी तीसरी बहन की दुनिया बसाने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। कैसे बड़ी माँ? क्लास कैसे? वैसे क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ बैठे घर की बातें कर रहे थे। हाँ वीरेन, जीविका तुम लोग सफर से थक गए होगे तो जाओ जाकर आराम कर लो। माँ अब इतने भी नहीं थके कि आते ही आराम करने चले जाएंगे। फिर भी वीरेन इंसान सफर में थक ही जाता है, अब जाओ 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 आराम कर लो। हाँ जीविका बेटा थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। हाँ जाओ, डिनर जब रेडी हो जाएगा तो हम बता देंगे। अरे जाओ भी छारे चाचू। बुआ जी, माँ घर में सब ठीक तो है ना? सफर से तो मैं और विराट भी आए, पर हम दोनों में से तो किसी को आराम करने के लिए नहीं बोला गया। और दी और जी जो जा रहे थे तो आप लोगों ने ऐसे क्यों देख रहे हो कि आपके सबके दिमाग में कुछ चल रहा है? दीदी बता दे। क्या बात है, प्लीज बताइए ना। अरे क्या बताएं, तुम दोनों भूल गए कल वीरेन और जीविका की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हाँ, इसलिए हम लोग एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, फिर आप देखना मेरा प्लान। मानवी धीरे धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा।
28th में? अरे कल तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं तो भूल ही गई। क्या बात है, ऐसे मनी मन की मुस्कुरा रही हो। लगता है वीरेन जी को बिल्कुल याद नहीं है कि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं भी क्यों बताऊं, सीधे सरप्राइज दूंगी। अरे बताओ मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। तीन जी छोड़िए ना। अरे यार अट्ठाईस में? अरे यार कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जीविका को इस बारे में कुछ याद ही नहीं। वैसे तो महीने भर पहले से ही बोलती रहती है कि एनिवर्सरी आ रही है, अब एनिवर्सरी आ रही है, पर आज कुछ नहीं याद। वीरेन जी भी अजीब है, और सारी बातें याद रहती है, पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गए। मैं अभी आई। आप सब ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों खड़े? क्या डिस्कशन चल रही? भाभी वो क्या है ना, जैसे क्रिकेट टीम में होता ना, एक कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ कंधे से कंधे मिलाकर डिस्कशन करता है, लाइक अ टीम हडल। तो हम भी वही ट्राई कर रहे थे, फैमिली हडल। उससे क्या होता है, मोरल बूस्ट होता है। और मेरा मोरल तो बहुत बूस्ट हुआ भाई इससे। अब तो हम सोच रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली रोज एक बार टीम हडल करेंगे। यस। क्यों भाभी? वैसे जीविका तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? वो बुआ जी मैं पानी लेने आई थी, और मैंने आप सबको इस तरह देखा है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा पानी, वो तो किचन में, जाओ। मैं जानती हूँ चाचू। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं भाई, मैं और चाचू क्रिकेट मैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसने अपने साथ हमें भी घसीट लिया। अरे विराट, अब हम सब जानते हैं कि तू क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन पूरे परिवार को घसीट पद इसमें क्या क्या ये हार्डल करके खड़ा है। वीरेन जी को याद नहीं, पर पूरा परिवार जानता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है, और इसीलिए आपस में मिलकर सब प्लान बना रहे थे। अब ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा कि वो प्लान आखिर है क्या, लेकिन इस बारे में वीरेन जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सरप्राइज का पूरा मजा खत्म हो जाएगा। ये जनाब तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, रहने दो, कल जब सरप्राइज मिलेगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी और बोलेंगे ओ सॉरी जीविका, वो काम का इतना प्रेशर रहता है ना कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, बस अब मुझे कल शाम का इंतजार है। कहाँ जा रही हो? रीन जी वो पीजी ने जो प्रसाद दिया है ना वो सबको देकर आती हूँ। ओके। तो आप लोगों की मीटिंग खत्म नहीं हुई, चलो अच्छी बात है। वैसे आप सबको तो याद ही होगा ना, कल मेरी और वीरेन जी की एनिवर्सरी है। ओ दी दी, हम तो भूल ही गए थे। शुक्रिया जीविका, अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते हमें याद दिला दिया। हाँ अब आराम से हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, किसी और को कुछ कहना? नहीं, बंद कीजिए ना आप सबकी एक्टिंग।
जब मैंने आप सबको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करते हुए देखा ना, तभी मैं जान चुकी थी कि आप सबको याद है कि कल हमारी एनिवर्सरी है। हाँ, विराट इनको तो पता है पहले से। हाँ। और तुमने इस पे मोहर भी लगा दी। मैंने क्यों किया? तू बीच में क्यों आई? बीच में क्यों बोला? तो मैंने कब बोला? उनको तो पता है पहले से। अब प्लीज 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 तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीरेन जी अपने काम में इतने बिजी है कि उन्हें याद ही नहीं है कि कल हमारी एनिवर्सरी। लेकिन जिविका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वीरेन को अपनी एनिवर्सरी याद नहीं है? बुआ जी, अगर उन्हें याद होता तो वैसे चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठते। एक महीने पहले से बोल रहे थे कि एनिवर्सरी के दिन यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आज अपने कमरे में चुपचाप बैठे। इसका मतलब यही हुआ ना कि उन्हें याद ही नहीं। बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं वीरेन को जाकर अभी बता। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, आपको नहीं बताना है। अच्छा यही है कि वीरेन जी को याद ही नहीं है। अच्छा, ये मतलब? अच्छा इसीलिए दादाजी, क्योंकि अगर वीरेन जी को याद होता तो क्या मैं कल उनके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी दे पाती? मैं सोच रही हूँ कि उन्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी दो, पर उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जीविका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों? तुम कोई टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच बुआ जी, थैंक यू। अब चुपचाप मैं अपने रूम में जा रही हूँ। टॉप सीक्रेट। जी रेडी रही, कल सरप्राइज पार्टी जो मिलने वाली है आपको। कल वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ पार्टी शार्टी तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे दादाजी के साथ काम है, मैं आता हूं। ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? रुके तो सही। क्या हुआ भाई? हुआ कुछ नहीं, पहले बैठ तो सही। बैठे ना। क्या बात है वीरेन? देखिए दादाजी, बात बड़ी सिंपल है। कल जीविका और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा जीविका को एक सरप्राइज पार्टी देते। अभी अरे भाई, उसकी बात मत सुनो, हर बात में टांग लड़ाती है। छोड़ो, अब ये बताओ कि जीविका भाभी को सरप्राइज क्यों देना चाहते हो आप? देखिए विराट, बात बड़ी सिंपल सी है। जीविका को बिल्कुल याद नहीं कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो बेस्ट तरीका है ना, कल शाम को सीधा बताएंगे उसे, सरप्राइज पार्टी देके। लेकिन वीरेन, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि जीविका को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है? मुझे क्यों है? मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों बड़ी माँ, और किसको ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं है, ऐसे हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। बड़ी माँ, अगर जीविका को एनिवर्सरी याद होती तो इस तरह अपने कमरे में चुपचाप थोड़ी बैठी होती। बेस्ट है उसे याद नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं जीविका को एक सरप्राइज पार्टी दूं और उस तरीके से याद दिला दूं। क्या हो गया आप लोग, मेरी मदद करोगे ही नहीं करोगे? हाँ हाँ, अरे हम सब तेरे साथ हैं, सब। थैंक यू सो मच चाचू, लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू। अरे अब क्या होगा? बेटा, अगर वो एक दूसरे को सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बाऊजी, दो दो सरप्राइज पार्टी एक साथ, ये कैसे मुमकिन है बाऊजी? मुमकिन है बेटा, जवानी में तुम्हारी दादी और मैंने भी ऐसा तजुर्बा किया था। लगता है कि ये हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वाह, वो भी का दिन थे। वाओ दादाजी, आप तो बड़े छुपरस्तम निकले हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।